आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा हम में। तो गाइस, जैसे आपको पता है जो हमारा टॉपिक चल रहा है एरोसोल्स, जो हमारा अंडर प्रोसेसिव टॉपिक एरोसोल्स चल रहा है। तो गाइस, एरोसोल्स में हम पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं उसके इंट्रोडक्शन में और उसके टाइप्स, और थर्ड हम बात करेंगे आज प्रोपेलेंट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं प्रोपेलेंट के बारे में जानेंगे आज। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, आइए बात करते हैं प्रोपेलेंट की। तो प्रोपेलेंट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी गाइस टाइप्स ऑफ एरोसोल्स की। टाइप्स ऑफ एरोसोल्स में हमने 3 टाइप के एरोसोल्स होते हैं, जो हमारे फर्स्ट था हमारा स्पेस स्प्रे, सेकेंड जो हमने बात की थी स्पेस स्प्रे के बारे में, और थर्ड में हमने बात की थी फॉर्म्स के बारे में। तो गाइस, फिर बात की थी हमने कंपोनेंट ऑफ एरोसोल्स की। कंपोनेंट ऑफ एरोसोल्स में गाइस हमने बात की थी प्रोपेलेंट की, एक्टिव मेडिकामेंट्स की बात की थी, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, और उसकी कंटेनर की बात की थी, और बात की थी वॉल्व की और एक्टिवेटर की। तो ये था हमारे गाइस लास्ट लेक्चर के बारे में। तो गाइस, अब हम बात करेंगे प्रोपेलेंट के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट थर्ड लेक्चर है ये एरोसोल्स का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रोपेलेंट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले बात करते हैं द फंक्शन ऑफ प्रोपेलेंट इन एन एरोसोल्स, ने का जो फंक्शन होता है प्रोपेलेंट का एरोसोल्स के अंदर, टू प्रोड्यूस प्रेशर। क्या होता है प्रोड्यूस करना, मतलब प्रेशर को उत्पन्न करना, उसका क्या होता है काम होता है एरोसोल्स का, जो हमारा काम होता है प्रेशर को उत्पन्न करना होता है किसके अंदर, हमारा जो कंटेनर होता है एरोसोल्स का उसके अंदर प्रेशर को उत्पन्न करता है हमारा एरोसोल्स। फिर इसने क्या कहा है और क्या करता है, ये एक्सपेल करता है। एक्सपेल का मतलब बाहर की ओर धक्का देता है, फेंकता है, किसको, हमारे मेडिकामेंट जो होता है उसको एक्सपेल करने का काम करता है बाहर की ओर। और फिर क्या करता है इसने, द प्रोपेलेंट समटाइम, इसने क्या कहा, जो प्रोपेलेंट होते हैं इनको समटाइम हम यूज़ करते हैं एज अ सोलवेंट। इसने जो हमारा मेडिकामेंट होता है, जो हमारा एपीआई होता है, उसको डिसोल्व करने के लिए, घोलने के लिए हम उसको कभी कभी प्रोपेलेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये गाइस हो गई उसकी डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट में यहाँ पर उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट एंड सेकेंड इज कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट। तो गाइस, हम वन बाय वन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट की। तो लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट का मतलब इससे हमारा जो टर्म है वही इंडिकेट करती है कि मतलब लिक्विफाइड भी है, लिक्विड भी है, उसमें लिक्विड है। तो गैस को क्या, लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट का मतलब, तो गैस को इतना कंप्रेस किया गया है कि उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, वो जो हमारी गैस है उसको इतना कंप्रेस किया गया है कि वो क्या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, इसलिए उसको क्या कहा है, इसलिए उसको लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट कहा है। तो लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट को भी फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स। तो गाइस, वन बन वन जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी टर्म है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स वही इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, जैसे हमारा हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और हमारा ये मतलब, अब ये मतलब कार्बन, मतलब जो हमारा कार्बन होता है ये प्लस कार्बन, तो मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है दोनों का क्या मिक्सचर है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन्स कहा गया है। तो आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसने क्या कहा था, मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन, इसने कहा जो सबसे कॉमनली यूज हम हाइड्रोकार्बन करते हैं कौन कौन से, कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, जैसे एनब्यूटेन है हमारा, जो हम यूजुअली यूज करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में, जो हमारे प्रोपेलेंट होते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन में यूज किया हमने उसको, एनब्यूटेन का जो एग्जाम्पल है एक, आइसोब्यूटेन का एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट इज आइसोप्रोपेन। ये क्या, ये हमारे 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे जो हम यूज करते हैं एज अ हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। जो इनका क्या काम होता है, इनका जो हमारे हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं यूजुअली, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड मतलब मिक्सचर में फॉर्म, जो हमारी मिक्सिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें हमारे हेल्प करते हैं, और जो डिजायर प्रॉपर्टी हमको चाहिए, जो हमारी प्रॉपर्टी चाहिए हमको हमारी इच्छा के अनुसार, उसको फिलफिल करने के लिए हम ये यूज करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन प्रॉपर्टी। ये लिखा है कि डिजायर प्रॉपर्टी के लिए इनको यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन को। तो ये बात थी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की। तो गाइस, अब बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन के बारे में। जो क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसने कहा है कि मतलब जो हमारे कैसे हो गए, इसमें क्लोरीन भी होगा हमारा, और क्या होगा, फ्लोरीन भी होगा, और हमारा हाइड्रोकार्बन भी होगा। तो इसमें क्या, तीनों है, क्लोरीन फ्लोरीन और हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सर है, इसलिए इसको क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन कहा गया। ये भी एक प्रोपेलेंट है, जो टाइप है हमारे लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट का। तो आइए इसके इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। गाइस, कुछ बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के। तो हाइड्रोकार्बन के क्या एडवांटेजेस है जब उसको यूज करते हैं, तो क्या कहें, फर्स्ट है द हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट हैव अ एबिलिटी टू डिसोल्व नंबर ऑफ मेडिकामेंट। इसने क्या कहा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है कि वो जो नंबर ऑफ मेडिकामेंट हम यूज करते हैं एरोसोल्स में उनको डिसोल्व कराने में हेल्प करते हैं, ये एबिलिटी होती है हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट की। सेकंड में क्या कहा इसने, दे आर फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। ये क्या होती है, फिजिकली और केमिकली स्टेबल होते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट होते हैं, वे स्टेबल होते हैं।
थर्ड इज दे लैक ऑर्डर, लो कॉस्ट, लो टोनिसिटी एंड इनमिसिबल विद वाटर एंड गिव थ्री वेज. इसने क्या कहा, ये क्या होता है, इनके पास ना तो कोई ऑर्डर होती, मतलब ऑर्डर का मतलब कोई स्मेल नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, और लो कॉस्ट मतलब सस्ते होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, और जो हमारे हैं थर्ड है लो टोनिसिटी, मतलब जो टोनिसिटी होती है वो भी लो होती है. और फिर इसने कहा ये इमिसिबल विद वाटर, इसने कहा ये क्या हो गया, ये इमिसिबल हो गया वाटर के साथ, मतलब अगर उसको वाटर के साथ आपको मिलाओगे इसको तो क्या करेगा, ये वाटर के साथ मिलेगा नहीं, मतलब मिक्सचर नहीं होगा वाटर के अंदर, तो इसलिए क्या कहा इमिसिबल है विद वाटर के साथ. और इसने क्या कहा कि अगर आप इसको वाटर के साथ मतलब एक्वस जो एरोसोल्स होते हैं उनमें अगर आप उसको मिक्स भी करते हैं तो क्या कर देगा, ये हमारे फेज को अलग अलग कर देगा, तीन फेज में डिवाइड कर देगा उसको, एक फेज वाटर का कर देगा अलग से, एक फेज प्रोपेलेंट का मेडिकमेंट का अलग से बना देगा, और अपना एक फेज अपना अलग बना, तो ये थ्री फेज में डिवाइड कर देगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं एक्वस फॉर्म में, यूज़ करते हैं एक्वस के साथ इसको मिलाते हैं तो ये थ्री फेज में इसको डिवाइड कर देगा. तो गाइस अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन, हमने बात की थी दूसरे क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन जो हम सेकंड टाइप है हमारा लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट का जो सेकंड टाइप है उसकी जो कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे जो हमने यूज़ किए हैं, दैट इज फर्स्ट इज ट्राई क्लोरो मोनो फ्लोरो मिथेन. मतलब क्या कहते कि तीन मोलिक्यूल हैं यहाँ पे क्लोरीन के और एक मोलिक्यूल है यहाँ पर किसका फ्लोरीन का, किसके तीन मोलिक्यूल क्लोरीन के हो गए यहाँ पे और हमारा एक मोनो मतलब सिंगल मोलिक्यूल होगा किसका फ्लोरीन का और क्या होगा और मिथेन होगा. तो ये क्या होगा ये एग्जाम्पल है हमारा क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन का. ये जो गाइस का नंबर है 011 जी 0 नंबर 1 है गाइस, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके अनुसार हम ये नंबर निकालने का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे कि नंबर कैसे निकालते हैं हमारा जो होता है. तो गाइस सेकंड में हम बात करते हैं डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन. मतलब इसमें क्या है, इसमें दो मोलिक्यूल है यहाँ पे हमारे क्लोरीन के और दो मोलिक्यूल हमारे फ्लोरीन के, तो उसके बाद दो मोलिक्यूल क्लोरीन के दो मोलिक्यूल फ्लोरीन के और मिथेन है हमारा, तो इसलिए इसका इसलिए ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन का. तो इसका जो नंबर होता है 011, तो ये जो हमें बताया कि नेक्स्ट लेक्चर उसके बारे में बात करेंगे. थर्ड इज डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो. मतलब यहाँ क्या क्लोरीन के जो दो मोलिक्यूल है लेकिन कितने टेट्रा मतलब फोर मोलिक्यूल है यहाँ पर हमारे, फोर मोलिक्यूल है हमारे किसके फ्लोरीन के और मिथेन तो हमारा एज इट इज सब में है, तो ये एग्जाम्पल होगा डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो मिथेन जो एग्जाम्पल है हमारा क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल. इसका नंबर है 0114. तो गाइस ये था इतना प्रोपेलेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रोपेलेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसके बारे में बात करेंगे. तो बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और फर्दर आगे जानेंगे एरोसोल्स के बारे में और उसके प्रोपेलेंट जो समथिंग होते हैं, जैसे कि उसका सेकंड टाइप का हमने बात की थी कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट के बारे में बात की उसके बारे में जानेंगे. तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep supporting and you can take a screenshot and if you have any problem so you can suggest and you can comment. Thank you guys. कितने मिनट की बनी, 8 मिनट की रोक दिया.